नमस्कार दोस्तों, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों की आजादी है। यहां सभी धर्मों और समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनका अपना भाषा, बोली, पहनावा, सामाजिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, संस्कृति सभी अलग अलग हैं। लेकिन क्या अब भारत में कुछ नियम ऐसे हैं जो सामाजिक हित के लिए सभी धर्मों के लिए समान होने वाले हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता की सिफारिश करते हुए सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। एक बात और, समान नागरिक संहिता को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में UCC कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आते ही UCC के मुद्दे को उछाला जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो गाइज, ये सब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, सदियों से पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। हम लोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसके मायने क्या है ये समझना है। समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून के विचारधारा पर आधारित है। UCC के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक कानून लागू किया जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना, इन सभी से संबंधित एक समान कानून बनाया जाना शामिल है। UCC लागू होने का मतलब ये नहीं कि सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज से वंचित हो जाएं। जैसे हिंदू धर्म में जिस रीति रिवाज से शादी होता है वैसे ही होगा और मुस्लिम में जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन शादी के बाद जो घटनाएं होती है उस पे लगाम लगाने के लिए UCC को लागू किया जाना है। जैसे शादी के बाद पति पत्नी में संबंध अच्छे न होने के वजह से तलाक की स्थिति होना, किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, ये सभी UCC के अंतर्गत सभी धर्मों में एक समान होने की बात की जा रही है। इसका उदाहरण है 2017 में सायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। अब यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि तलाक को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में 3 प्रकार के तलाक होते थे, जिसमें पहला है तलाक ए बिद्दत, दूसरा है तलाक ए हसन और तीसरा है तलाक ए अहसन। इसमें जो पहला है तलाक ए बिद्दत, इसी को खत्म किया गया है। इसी में मौखिक रूप से 3 बार तलाक बोल के तलाक दिया जाता था। भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ है, जिसमें पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो हिंदू, सिख, जैन व सभी सांप्रदायिक पर लागू होता है। दूसरा, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। अब यहाँ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1956 मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्मों पर लागू होता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म के लिए समान कानून लागू होने की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कई देशों में पालन किया जाता है, जैसे पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, USA, इंडोनेशिया और भी कई देश है। अब बात यह है कि ये सब देश ज्यादातर इस्लामिक देश है, यहाँ UCC लागू करना आसान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ जितना धर्म है उतना समुदायिक भी है, तो भारत में UCC लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मोदी जी 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा के ही रहेंगे। मेरा पर्सनली मानना है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत में UCC लागू किया जाना चाहिए। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।